मुरादाबाद पहुंची पहले गौरव भारत टूरिस्ट ट्रेन को लेकर यात्रियों में दिखा उत्साह। मुरादाबाद पहुंची गौरव भारत टूरिस्ट ट्रेन में यात्रियों में मंदिरों के दर्शन के लिए अलग ही उत्साह देखने को मिला। ऋषिकेश से चलने वाली गौरव भारत टूरिस्ट ट्रेन 7 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन 12 दिन के टूर पैकेज के साथ कराएगी। IRCTC की ओर से संचालित इस ट्रेन में यात्रियों को भोजन, होटल में रहना, बस सुविधा के साथ इंश्योरेंस का भी लाभ मिलेगा। ज्योतिर्लिंग दर्शन यात्रा पर जाने वाले यात्रियों से जब बात की तो सभी में एक अलग ही उत्साह टूरिस्ट ट्रेन को लेकर दिखा। किसी ने ट्रेन की सराहना करते हुए PM मोदी को धन्यवाद दिया तो किसी ने कहा ये ट्रेन आने वाले समय में धार्मिक दर्शन के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी, क्योंकि कम लागत में देश के बड़े और सिद्धपीठ मंदिरों के दर्शन किसी अन्य साधन से नहीं हो सकते। आपको बता दें कि गर्मियों की छुट्टी को देखते हुए इंडियन रेलवे और IRCTC के संयुक्त तत्वावधान में इस गौरव भारत टूरिस्ट ट्रेन का संचालन किया गया है। पहली ट्रेन आज 22 मई को शुरू हुई जो 7 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराएगी। वहीं दूसरी ट्रेन 7 जून को चलेगी जो दक्षिण भारत और कन्याकुमारी के दर्शनीय स्थल का भ्रमण कराएगी। दोनों ही ट्रेन योग नगरी ऋषिकेश से चलकर मुरादाबाद स्टेशन से होते हुए अपने गंतव्य तक पहुँचेंगी। आज गौरव भारत ट्रेन का 7 ज्योतिर्लिंग यात्रा जा रहा है, क्या हाल हुआ? अच्छा लग रहा है, अभी ट्रेन आई नहीं है, ट्रेन में बैठे और भी अच्छा लगेगा, तब काफी मिलेंगे जाने वाले हैं। रेलवे ने जो प्रयास करा है कैसा है? बहुत बढ़िया है, अच्छा है। अच्छा, जैसे आम लोगों के लिए है यात्रा धार्मिक करा रहे हैं तो कुछ लाभ है? लाभ तो हो वही जरूर होगा, लाभ इनका सारी सुविधा जो है ट्रेन में है, अलग से भी सुविधा दे रहा है, रहने रहने की खाने की सभी बढ़िया है। मैं फिर पहली जगह जा रहा हूँ ट्रेन में, वैसे तो घूमता रहता हूँ लेकिन इसमें जाऊँगा तो और अच्छा लगा, सब मिलेंगे जानने वाले। इसमें 3 कैटेगरी है, किस कैटेगरी में आप कवर कर रहे हैं? मध्यम में। क्या शुभ नाम है आपका? संजीव कुमार। संजीव जी, आज गौरव भारत ट्रेन का नॉन ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने जा रहे हैं 7 ज्योतिर्लिंग, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा, पहली बार धार्मिक यात्रा में जा रहे हैं ट्रेन के थ्रू पहली बार जा रहा। अच्छा, ट्रेन में जो सुविधाएं हैं IRCTC की तरफ से दी जा रही है, इनकी जानकारी आपको दी जी? क्या क्या सुविधाएं और लोग गए पहले उनसे पता लगा है, सब सुविधा रहने होने का, वो सब AC और वो खाने पीने की क्या कैटेगरी में आप सफर कर रहे हैं? मैं सेकंड AC का। अच्छा, 12 दिन की यात्रा है तो कैसा लगेगा इतना? 12 दिन बहुत बढ़िया, पता भी नहीं लगेगा ऊपर वाले, कोई अपील करना चाहेंगे? नहीं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा विश्वजीत सिंह। विश्वजीत जी, आप जो दिन यात्रा के लिए ट्रेन जा रही है गौरव भारत, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, 12 दिन का सफर है, कैसे कर लगेगा? कट जाएगा, भगवान के नाम पे जाना है तो। अच्छा, इससे पहले कभी धार्मिक दर्शन ट्रेन के थ्रू करे हैं? नहीं, ट्रेन के थ्रू नहीं, पहली बार जा रहे हैं। रेलवे सारी सुविधाएं दे रहा है? हाँ, लग रहा है सारी सुविधाएं बढ़िया रहेंगी? हाँ, सारी सुविधाएं अच्छी रहेगी। चलिए, कहाँ से अब उनका यहाँ मुरादाबाद से यात्रा शुरू करिए? नहीं, हम मुरादाबाद से ही कर लिए, यही आशियाना के रहने वाले हैं मुरादाबाद। चलिए भैया, कोई अपील करना चाहेंगे? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस वो तो जब जाएंगे तब पता चलेगा कैसा सिस्टम है रेल का। चलिए ठीक है। क्या शुभ नाम है? योगेश बंसल, एडवोकेट। नरेश जी, गौरव भारत ट्रेन जा रही है 12 दिन की यात्रा जी, सर कैसा लग रहा है? बहुत ही इंटरेस्ट है, अकेला जा रहा हूँ, मजा आ रहा है। ट्रेन में सारी सुविधाएं मिल रही है? सारी सुविधाएं है और सब कुछ जो उसमें दिखाया गया, सब कुछ उसका अनुभव करूंगा मैं, मतलब यात्रा से ज्यादा अनुभव के लिए जा रहा है। अनुभव जा रहा, मेरी बाइक ने मेरी परमिट किया, बैठिए बराबर में, बोले आप जाइए, पसंद आएगा मैं भी जाऊंगी साथ में। कोई अपील करना चाहेंगे ट्रेन को लेकर? मैं ये अपील करना चाहूंगा कि मोदी जी ने यह ट्रेन जो चलाई है, हम जैसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत ही कम्फर्टेबल ट्रेन है, ऐसी ट्रेन और अच्छी चले ये मेरी शुभकामना है और अपनी सरकार से ही मेरी मांग है। थैंक यू। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्ता पूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स, माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंक रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।